नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। कैसे हैं आप? राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा होना भी चाहिए। लास्ट वीडियो कैसा आया? आप लोगों ने काफी कमेंट किए हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बच्चों ने पर्सनली भी बोला है, उसके लिए थैंक्स अलॉट। सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए उसे भी बहुत बड़े वाला धन्यवाद। फिर भी अगर कुछ डाउट था या कोई आपकी क्यूरी थी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखने में कोई हेजिटेशन नहीं रखना है। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था अपना नाउन का टॉपिक, और नाउन का फर्स्ट पार्ट जो कि मैंने उसको 3-6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था कि हम उसको ऐसे ऐसे स्टडी करेंगे। तो उसका फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर कर लिया है, नाउन इन अपोजिशन। और अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, या फिर कोई स्टूडेंट, या फिर कोई मेरा कलीग, या फिर हो सकता है कोई हमउम्र, तो आप अगर चाहते हैं कि नाउन इन अपोजिशन आप देख ले या उसको रिकॉल कर ले तो आप जा सकते हैं हमारी वीडियोस, उसको सब्सक्राइब करने के बाद आपकी सारी वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगी। आप जा सकते हैं नाउन जो कि पार्ट 1 के नाम से आपको मिलेगा, क्योंकि ये पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में मैंने आपको कहा था हम स्टडी करेंगे नाउन किसका? नाउन कंपाउंड का। गुड। अब हमें स्टडी करना है बेसिकली नाउन कंपाउंड, क्योंकि हम एक पार्ट क्लियर कर चुके हैं नाउन का, नाउन इन अपोजिशन। अब पहले तो मुझे ये बताइए कि नाउन कंपाउंड हम कहते किसे हैं, होता क्या है नाउन कंपाउंड? देखो, कभी भी दो नाउन, चाहे वो कोई भी है, लेकिन दोनों का ना मीनिंग आना चाहिए। कैसे? जैसे हम बोल देते हैं गर्ल कॉलेज, ठीक है। अब गर्ल कॉलेज तो बोल दिया, लेकिन ये ना मीनिंग किसका देगा? लड़कियों का कॉलेज, का के की सेंस आएगी। ये नाउन कंपाउंड नहीं है। ये क्या है? नाउन का केस है, पोजेसिव केस जो हम पढ़ेंगे नाउन केस में। अभी जैसे मैंने बोला बॉय स्टूडेंट, ठीक है, लड़का विद्यार्थी। अब इसमें का के की सेंस हमें देनी ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या यूज करना है? बॉय स्टूडेंट, एक लड़का विद्यार्थी, ही इज अ बॉय स्टूडेंट, ठीक बात। जैसे हम बोलते हैं आई हैव टू गर्ल फ्रेंड्स, मेरी दो लड़कियां दोस्त हैं, मतलब मेरी दो लड़कियां हैं जो दोस्त हैं, दो लड़कियां मेरी फ्रेंड हैं, ऐसे हम जब बोल देते हैं। या फिर जैसे मैं बोलूं देयर आर टू वुमेन वर्कर्स, यहां पर दो महिलाएं कारीगर हैं, ऐसा जब हम बोलते हैं, तो ये भी तो नाउन कंपाउंड है। जैसे मैं बोल दूं शी हैज टू सिस्टर्स इन लॉ, उसके दो सिस्टर इन लॉ हैं, ये भी नाउन कंपाउंड है। फिर मैंने कहा शी हैज रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द रामायण, वो रामायण का एक के बाद एक पेज पढ़ चुकी है। अब पेज आफ्टर पेज ये क्या है? ये भी नाउन कंपाउंड है। अब उसी को हम डीप में स्टडी करेंगे कि जब कभी भी दो नाउन साइड बाय साइड एक दूसरे के नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगर यूज होते हैं तो हम उसे कहते हैं नाउन कंपाउंड, क्लियर। अब हमें देखना है कि नाउन कंपाउंड कितने पार्ट्स में डिवाइड है। नाउन कंपाउंड कहता है 4 पार्ट में डिवाइड होगा। कैसे? फर्स्ट रहेगा नाउन प्लस नाउन, सेकेंड नाउन प्लस नाउन, थर्ड वन नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, एंड द फोर्थ वन नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, ठीक बात। अब आपको लग रहा होगा कि मैम आपने बना तो 4 दिए बट ये तो दो दो सेम है। अभी सिर्फ आपको देखने में वो सेम लग रहे हैं बट उनका यूज डिफरेंट डिफरेंट है। कैसे? वो जब हम एक एक चीज को उठाकर स्टडी करेंगे कि ये ऐसे और वो ऐसे यूज करना है तब आपको आसानी से वो क्लियर हो जाएगा। बट अभी ये सिर्फ ये याद करना कि चारों नेचर में अलग है, सेम नहीं है। दिखने में भले ही ये दो सेम और वो दो सेम है बट हर पीली चीज सोना नहीं होती ना, सेम है कि हर दो दिखने वाले बराबर चीज है वो बराबर नहीं है।
शक्ल बराबर हो सकती है लेकिन अंदर क्या छुपा हुआ वो तो बराबर नहीं हो सकता ना। दैट्स व्हाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा पार्ट कौन, नाउन प्लस नाउन। कैसे देखो, मैंने कहा गर्ल फ्रेंड, ठीक है। मैंने कहा बॉय स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो एक चीज, ये जो गर्ल लिखा हुआ है सिंगुलर है या प्लूरल, एक है या एक से ज्यादा, एक। अगर वो एक है दैट मीन्स कि मैं उसे कह सकती हूं कि वो एक सिंगुलर नाउन है। ओके गुड। अब यहां जो ये लिखा हुआ है फ्रेंड, इसका नेचर क्या है, ये सिंगुलर है या प्लूरल? अगेन एक सिंगुलर नाउन है। और अगर ये एक सिंगुलर नाउन है तो मैं इसे लिख सकती हूं सिंगुलर नाउन। दैट मीन्स कहने का मतलब ये कि ये पूरा जो मेरे पास नाउन कंपाउंड आया, इस पूरे का नेचर क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। सेम यहां, बॉय का नेचर सिंगुलर है, स्टूडेंट का नेचर ये भी सिंगुलर है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूं कि जो ये नाउन कंपाउंड है इसका नेचर भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। अब मान लो कि मुझे इसका ना प्लूरल बनाना है। क्या बनाना है, प्लूरल फॉर्मेशन, क्योंकि नाउन बेसिकली दो ही फॉर्मेशन पर चलता है, या तो उसे सिंगुलर फॉर्म में बना दोगे और या तो उसे प्लूरल फॉर्म में बना दोगे, इससे ज्यादा तो नहीं बना सकते हैं, ये बात ना। अब कहता है भाई अगर मैंने मान लो इसका प्लूरल बनाया तो हो सकता है मैं पहला केस आपको बोल दूं गर्ल्स फ्रेंड, हो सकता है सेकेंड केस में मैं आपको बोल दूं गर्ल्स फ्रेंड्स, और हो सकता है मैं आपको बोलूं गर्ल फ्रेंड्स। सेम यहां, हो सकता है मैं आपको इसका प्लूरल बोलूं बॉयज स्टूडेंट, हो सकता है इसका मैंने प्लूरल बना दिया बॉयज स्टूडेंट्स, या फिर मान लो मैंने बोल दिया बॉय स्टूडेंट्स। ये केस। अब ना पेपर में तीनों में से कोई भी निकाल सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जाम कि कैसा एग्जामिनर ने बनाया है। अब मान लो कि किसी को ये बोलना है कि मेरी दो गर्लफ्रेंड हैं, तो हम क्या बोलते हैं, आई हैव टू गर्लफ्रेंड्स, आई हैव टू गर्ल्स फ्रेंड्स, या फिर आई हैव टू गर्ल्स फ्रेंड, क्या बोलते हो? क्योंकि ये ना अभी हाल फिलहाल हम यूज कर लेंगे, आसानी से पकड़ लेंगे। अगर मैं अभी स्टार्टिंग में बोल देती ना बॉय स्टूडेंट का प्लूरल बना तो बच्चे हिचकिचाते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी आसानी से बोलेंगे और हंस भी रहे होंगे कि मैडम ने कैसे एग्जांपल ले लिया, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये बहुत आसानी से हम टैकल इजीली समझ सकते हैं उससे, क्योंकि कुछ भी चीज अगर सीखो ना तो उसको प्रैक्टिकल वे में जाके माइंड में सोचो कि हाँ अगर ऐसा हम उसको बोलेंगे तो वो कैसा लगेगा, तो अपने आप से चीजें इजी हो जाएंगी, रटना नहीं पड़ेगा, समझ जाओगे उसे। तो इसीलिए मैंने आपको कहा गर्लफ्रेंड का प्लूरल जब भी बनाओगे तो ना तो कभी पहले वाले को चेंज करोगे, ना तो कभी दोनों को चेंज करोगे, हमेशा चेंज किसको करोगे, बाद वाले को। तो क्या बनाएंगे, आई हैव टू गर्लफ्रेंड्स, क्लियर। और जब इसका बनाओगे प्लूरल तो कहता है ना तो पहले वाला चेंज ना तो सेकेंड वाला चेंज, हमेशा कौन सा चेंज हो जाएगा, बाद वाला, क्योंकि दोनों भी चेंज नहीं होंगे, इसीलिए गलत है। कौन सा चेंज होगा, हमेशा बाद वाला। तो इस नाउन कंपाउंड का रूल ये कहता है व्हेन वी मेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस नाउन कंपाउंड कॉमा वी शैल ऑलवेज चेंज
the letter one. जब कभी भी हम इस नाउन कंपाउंड का प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो हम हमेशा चेंज करेंगे किसे? बाद वाले को. लेटर मतलब बाद वाला. अब ध्यान रखना लेटर की स्पेलिंग तीन होती है. एक होता है एल ए टी आर, एक होता है एल ए डबल टी आर और एक होता है एल ई डबल टी आर. इसका मतलब बाद में. किसे बताएगा? टाइम को. इसका मतलब बाद वाला क्या शो करेगा? पोजीशन. और इसका मतलब पत्र. दैट मींस कि ये क्या है? नाम. अब हम किसको बता रहे हैं? बाद वाले को. ठीक है. बट यहां ध्यान ये चीज का रखना कि जब कभी भी फर्स्ट नाउन कंपाउंड आप यूज करोगे ना तो दोनों के दोनों नाउन ऐसे होंगे कि प्लूरल जब भी यूज करना होगा इनका तो दोनों में ही एस या ईएस से ही प्लूरल बनाओगे. कुछ और स्पेलिंग चेंज करके नहीं बनाओगे. मेरी बात समझ रहे हो? बॉय का जब प्लूरल बनाओगे तो उसमें क्या जोड़ोगे? या तो एस या तो ईएस. स्टूडेंट का जब भी प्लूरल बनाओगे तो उसमें क्या जोड़ोगे? या तो एस या तो ईएस. सेम कंडीशन वहां पर है. हो सकता यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं. चले आगे. चलो नेक्स्ट. अब सेकंड कहता है हमारा नाउन प्लस नाउन. अब सोचो भाई क्या डिफरेंस हो सकता है फर्स्ट और सेकंड में? क्या डिफरेंस हो सकता है? सोचो सोचो कैसे डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से. चलो कोई नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो चलो हम समझाते हैं. अब हमने कहा सेकेंड हमारा नाउन कंपाउंड नाउन प्लस नाउन. इसमें क्या केस है? मैंने कहा मैन वर्कर. मैंने कहा वुमेन सर्वेंट. ठीक है. अब ये फिर से मैंने यूज किया भाई मैन वर्कर और वुमेन सर्वेंट. ठीक. मैन कैसा नाउन है? सिंगुलर. और वर्कर कैसा नाउन है? अगेन इट्स अ सिंगुलर नाउन. फिर मैंने यूज किया वुमेन. वुमेन कैसा नाउन है? इट्स अ सिंगुलर नाउन. सॉरी एम ए एन नॉट एम ए एन, इट्स एम ए एन. सॉरी फॉर दैट. और सर्वेंट ये भी कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन. अब दो नाउन जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों सिंगुलर हैं, तो इन दोनों का नेचर कैसा हो गया? सिंगुलर नाउन, ये भी और वो भी. अब सेम कंडीशन ये जैसा मैंने उसमें बताया था कि अगर मान लो मुझे इसका प्लूरल किसी सेंटेंस में यूज करना है, वो कैसे यूज करेंगे? चलो देखते हैं. मैंने कहा मैन वर्कर, तो मैंने इसका प्लूरल बनाया एम ई एन और वर्कर. हो सकता है ऐसा पेपर में लिखा हो. मैंने कहा एम ई एन और वर्कर्स. फिर मैंने कहा कोई हो सकता है वो लिखते एम ई एन और वर्कर्स. इट डिपेंड्स. सेम कंडीशन यहां हो सकता है वो कर दे डब्ल्यू ओ एम ई एन और सर्वेंट. हो सकता है वो उसका प्लूरल बना दे वुमेन सर्वेंट्स. और हो सकता है वो प्लूरल फॉर्मेशन पे लिख दे वुमेन सर्वेंट्स. अब कहता है जब भी कभी बनाओगे इसकी प्लूरल फॉर्मेशन तो ना तो सिर्फ पहले वाला चेंज और ना ही सिर्फ बाद वाला चेंज. हमेशा चेंज करोगे दोनों नाउन्स को. और यही डिफरेंस होता है फर्स्ट और सेकेंड नाउन कंपाउंड में. क्या वहां मैंने दोनों नाउन ऐसे बताए थे जिसका प्लूरल आप एस या ईएस जोड़कर बना रहे थे? ये तो मैंने किया था ना. गर्ल प्लस एस या ईएस प्लूरल, फ्रेंड प्लस एस या ईएस करके प्लूरल. लेकिन यहां सर्वेंट का तो एस या ईएस से प्लूरल बना लोगे, लेकिन क्या वुमेन का प्लूरल एम एस या ईएस से बना पाओगे? नहीं ना, क्योंकि इसकी स्पेलिंग आपको चेंज करना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा? वुमेन एम ई एन. ऐसे ही चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स, नॉट अलाउड चिल्ड्रन. बहुत से बच्चे सोचेंगे चिल्ड्रंस भी होता है. चिल्ड्रंस नहीं होता है. क्या होता है? चिल्ड्रन, क्योंकि वो अपने आप में प्लूरल है. इतना समझ में आया? अब मैंने कहा
यही डिफरेंस होता है फर्स्ट और सेकंड में. फर्स्ट कहता है जब मेरा प्लूरल बनाओगे तो बाद वाले को चेंज कर दो, और सेकंड कहता है भाई जब मेरी प्लूरल फॉर्मेशन यूज करोगे तो दोनों को चेंज कर दो. क्लियर? लिख लीजिए इस एक्सप्लेनेशन. व्हेन वी मेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस नाउन कंपाउंड, when we make the plural form of this noun compound, we shall always change both nouns. हम दोनों nouns को क्या कर देंगे? Change कर देंगे. Clear? लेकिन यहां ये चीज ध्यान रखना कि दोनों में से कोई ना कोई एक noun compound, या तो man या तो woman या तो चाइल्ड, इन तीनों में से कोई एक होगा, क्योंकि इनका प्लूरल एस या ईएस से नहीं बनता है, स्पेलिंग चेंज करके बनता है. क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करें. क्वेश्चंस हम जरूर देंगे, लेकिन जब नाउन कंपाउंड का हमारा दूसरा हिस्सा भी खत्म हो जाएगा. अभी सिर्फ आपको इतना ही याद करना है कि फर्स्ट और सेकेंड में क्या डिफरेंस है. क्लियर? क्योंकि अभी अगर मैंने थर्ड और फोर्थ भी कराए तो वो ज्यादा सा ज्यादा हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे. अभी सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना कि जब उसका प्लूरल बनाया है तो बात वाला चेंज, और जब इसका प्लूरल बनाया है तो दोनों चेंज. बात समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, चलो हिंट हम आपको दे देते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का आएगा. क्यों वेट करें, दो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं. मैंने कहा इन माई क्लास girls student. This is question number one. And second, there are so many women worker are working. बताइए भाई दोनों में क्या गलत है. फर्स्ट मैंने कहा इन माई क्लास 50 गर्ल्स स्टूडेंट, मेरी क्लास में 50 लड़कियां हैं. 50 गर्ल्स स्टूडेंट आगे लिख लो आर प्रेजेंट टूडे. ठीक, इन माई क्लास 50 गर्ल्स स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टूडे. आज मेरी क्लास में 50 लड़कियां आई हैं, ऐसा. एंड सेकेंड, देर आर सो मेनी वुमेन वर्कर आर वर्किंग. यहां पर बहुत सारी वुमेन वर्कर्स काम कर रही हैं. ये कह रहे हैं, आप देखो हमने यहां यूज किया गर्ल्स स्टूडेंट, एक नाउन कंपाउंड है. ये नाउन कंपाउंड है फर्स्ट वाला, जहां दो नाउन यूज हैं, और दोनों नाउन ऐसे हैं जिसका प्लूरल हम एस या ईएस लगाकर बना सकते हैं. यही था. अब कह रहे हैं भाई अगर गर्ल्स स्टूडेंट था तो मैंने वहां कहा था कि जब इसका प्लूरल बनाओगे तो हमेशा चेंज करोगे बाद वाले को, तो हम क्या लिखेंगे? गर्ल स्टूडेंट्स. क्लियर? फिर मैंने कहा देयर आर सो मेनी वुमेन वर्कर, नॉट, अभी तो बताया भाई दोनों नाउन का नाउन है, नाउन का नाउन ना, लेकिन एक नाउन ऐसा है जिसका एस या ईएस से प्लूरल नहीं बन सकता है. उसका प्लूरल कैसे बनेगा? स्पेलिंग चेंज करके क्या बना दिया? वुमेन. बट वर्कर भी तो गलत है, क्या यूज करोगे? वर्कर्स. क्लियर? अभी हमारा नाउन इन नाउन कंपाउंड में बचा है तीन, दो केस, नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन एंड नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन. ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. होपफुली आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो. अगर कोई डाउट है तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट, एक पोलाइट रिक्वेस्ट ये कि आप लोग अपने डाउट्स जितने ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे वो कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगा. होपफुली आपको वीडियो पसंद आए. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो. अगर आप चाहते हैं कि कुछ और सजेशन हमें प्रोवाइड करें तो प्लीज 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 हमें बता दीजिएगा, ताकि जो भी हम आगे वीडियो बनाएं वो चीज जो आपका एक
डाउट है या फिर आप जो कहना चाहते हैं वो हम उसको आसानी से अपने वीडियोस में इंप्लीमेंट कर पाए, उसको सुधार पाए, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट दे पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए। टेक केयर।